ओम शांति। आज की तारीख है 15/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा सदैव हम बच्चों को अपने में शक्ति भरने के लिए सदैव कहते रहते हैं कि सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो तो शक्ति प्राप्त होगी। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विथ ऑनर हो जाएंगे। प्रश्न है किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है। उत्तर है कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकालेंगे। इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है और भूत निकाल देना है। गीत बजा है आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रस तातकता था। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक है धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाए तो भी स्मृति में जरूर रहना है। नंबर दो है विकारों का दान देकर फिर कभी भी वापस नहीं लेना। किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत है उन्हें निकाल देना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का मालिकपन की स्मृति द्वारा परवस स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव इससे श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द याद आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी
पानी बन जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।